मेरे भाई, जो गिग आपकी सही परफॉर्म नहीं कर रही है और जिस गिग में ये वाली मेरी बताई हुई निशानियां मौजूद हैं, उस गिग को फौरन डिलीट करें। आप प्लीज फाइवर के एल्गोरिदम को समझें। फाइवर के एल्गोरिदम को समझेंगे तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं और आगे लेके चल सकते हैं, ठीक है? अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को आगे लेके चल सकते हैं। तो प्लीज जिस जो मैं बता रहा हूँ, ये वाली निशानियां अगर आपकी गिग में मौजूद हैं तो इनको डिलीट कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खुबैब कौरी। वेलकम करता हूँ आपको एक नई वीडियो में। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूँ आपके लिए और आपने इसको अगर फॉलो करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो इंतज़ार में लगे रहते हैं कि उनको गिग के ऊपर इंप्रेशंस कब आएंगे, गिग के ऊपर क्लिक्स कब आएंगे, गिग के ऊपर ऑर्डर्स कब आएंगे, और उनके गिग टाइम के साथ साथ डाउन से डाउन जाती रहती है, ठीक है? तो इसके लिए हमें, मेरे दोस्त, हमें इंतज़ार नहीं करते रहना, ठीक है? हमें काम करना है। हमें पैसे काम करने के मिलेंगे, इंतज़ार करने के कभी भी नहीं मिलेंगे, टाइम ज़ाया हो जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए कुछ बातों का फॉलो करना लाजमी ज़रूरी होता है। अगर आपके गिग के अंदर ये वाली 4-5 निशानियाँ मौजूद हैं जो मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, तो आप अपनी गिग को फ़ौरन डिलीट करें, ठीक है? और अगर फ़ौरन डिलीट नहीं करना, तो अगर आपकी गिग के ऊपर फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, यानी कि 10-12 ऑर्डर्स लगे हुए हैं और उसके ऊपर अपना क्या कहते हैं, अपना रिव्यूज़ लगे हुए हैं, 5 स्टार के सारे रिव्यूज़ हैं, आप नहीं ज़ाया करना चाहते, तो उसको फ़िलहाल के लिए सारा का सारा डाटा उसका बंद कर दें। उसको 10-5 दिन के लिए ड्राफ्ट में डाल दें, ठीक है? ड्राफ्ट में डालने के बाद दोबारा उसको लाइव करेंगे तो आपका उसका डाटा, उसका टाइटल, उसकी A to Z सब चीज़ें चेंज करें, ठीक है? और फिर मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताऊं, कारोबार में कामयाब होने के लिए, गौर से सुनना, कारोबार में कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो बिफोर जो उसका होमवर्क होता है, ठीक है, कारोबार को इनिशियल रिसर्च होती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो मेरे भाई, आपकी इनिशियल रिसर्च मैंने आपको कई वीडियोज़ में कीवर्ड रिसर्च सिखाई है, लेकिन कीवर्ड रिसर्च सिखाने से वो मज़ा नहीं आता है, ठीक है? ना ही सीखने से वो मज़ा आता है, क्योंकि समझ भी नहीं आती है। एक तजर्बे के साथ साथ एक इंसान की विजिबिलिटी बन जाती है। मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च सिखाई भी है और कई बार आपको कीवर्ड रिसर्च करके दे दी है कि ये वाली कीवर्ड आप यूज़ करें तो आपके लिए हो जाएगा। अगर आप अपनी किसी भी निश में इंटरेस्टेड हैं, आपके पास कोई भी टैलेंट है, कोई भी स्किल है आपके हाथ में, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, आपकी फील्ड की कीवर्ड रिसर्च मैं करके दूंगा, ठीक है? मैं एक स्पेशली उसके लिए वीडियो बना दूंगा, 5-6-7 कीवर्ड बना दूंगा, उनमें से एक कीवर्ड आप उठा लेना, 4-5 कीवर्ड बाकी दोस्त उठा लेंगे, सबका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? और जो भी फ़ायदा हो, नुकसान हो, जो भी चीज़ें हो, वो अपना मुझे कमेंट में लाजमी बताना है, सही है? और एक बात का लाजमी ख्याल रखना है मेरे भाई, के हलवा पका हुआ किसी को भी नहीं मिलता, पकाना पड़ता है, ठीक है? ये बात नहीं होती है कि जनाब अली गए और फाइवर के अंदर बहुत सारे डॉलर पड़े हुए उठा के बाहर आ गए, काम करना पड़ता है। अगर मैंने भी आपको ट्रिक्स बता दी हैं तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह 70% जो गिग्स हैं वो चलती हैं, 30% मेरी भी फेल होती है। मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंसियर होकर सच्ची बात बता रहा हूँ, ठीक है? मैं अपनी सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करता हूँ। फाइवर का तो एल्गोरिदम है, फाइवर तो भाई बादशाह है जंगल का, जो मर्जी करे, तो फाइवर की मर्जी होती है उस गिग को चलाए नहीं चलाए। अगर फाइवर नहीं गिग को चलाता, मैंने अपनी मिस्टेक वाली वीडियो भी अपना एक अपलोड की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो फाइवर की अपनी मर्जी होती है आपकी गिग को चलाए ना चलाए, आप 100% परफेक्ट काम करें तब भी। अगर आपकी फाइवर गिग नहीं चलाता तो आप सिंपली उसको डिलीट करो यार, डिलीट करके दूसरी बनाओ, ठीक है? एक एक हफ्ते में आप, एक हफ्ते में 7 गिग्स होती हैं, रोज़ाना एक गिग बनाएं, ठीक है? 7 दिन बाद जो 7 दिन पहले गिग बनाई थी वो आपको पता चल जाएगा कैसे रिस्पॉन्स दे रही है। 2-4 दिन और वेट कर लें, 2 दिन आराम कर लें, ठीक है? 7 दिन काम, 2 दिन आराम, फिर 7 दिन का, 9 दिन बाद, 10 दिन बाद आपको पता चल जाएगा आपकी पहली गिग कैसा काम कर रही थी। उसको डिलीट करके दोबारा मेरी वीडियो को देखें, दोबारा मेरी वीडियो को देखें, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। मैं भी लिटरली, मैं आपको अपना, मैं सिंसियरली बस ये चाहता हूँ कि आप लोग कामयाब हो जाएं। मैं भी जो वीडियो मुझे समझ में आती है किसी भी यूट्यूबर की या किसी भी क्या नाम है अपना ट्रेनर की या गुरु की, मैं उसकी वीडियो को 2 से 3 बार देखनी पड़ती है मुझे, ठीक है? एक बार पूरी वीडियो देखी, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके बाद जब मैं गिग बना रहा हूँ या उसकी बातों को फॉलो कर रहा होता हूँ तो उसकी वीडियो को दोबारा रन कर रहा होता हूँ, ठीक है? और एग्जैक्टली देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये बंदा हमें सेंस कौन सी देना चाह रहा है, यहाँ पर ये बंदा हमें बताना क्या चाह रहा है, सिखाना क्या चाह रहा है, ठीक है?
तो मैं भी आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ कि आप बड़े फैसले करें, बड़े फैसले करने वाला ही होता है। और ये भी एक बड़ा फैसला होता है कि जो गिग बनाई थी बड़ी मेहनत से उसको हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बड़े फैसले करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करते चले जाएँ। आपका छोटा सा लाइक छोटा सा सब्सक्राइब के लिए मैं पूरी वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। मेरी अगली वीडियो सिर्फ ये देख कर आती है कि पिछली वीडियो में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग, आप सबको थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। तो आपके लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हाजिर हो जाता हूँ, ठीक है। तो चलें मैं आपको बताता हूँ वो ट्रिक्स कौन सी हैं और उनको गौर से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, हाँ, और मैंने यहाँ पर अपना ओपन किया हुआ है अपनी प्रोफाइल। ये मेरी प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसको ओपन करके चाहें तो सारा स्टडी करें और इसमें चेक करें कि मैं कैसे इनकम हासिल कर रहा हूं और मैं कैसे ऑर्डर्स हासिल कर रहा हूं और मैं कैसे पैसे कमा रहा हूं, ठीक है। तो और इसमें दूसरी बात यह है कि अपना मेरी एक गिग है जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसको मैं सोच रहा हूँ डिलीट कर दूँ, लेकिन अभी डिलीट नहीं करूँगा, ज़रा सोचूँगा समझूँगा। ये देखें, ये वाली जो गिग है ना, ये वाली जो गिग है ये मेरा बिल्कुल सही परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। नंबर एक तो गिग ही अच्छी बनाए आप पहले, सही है, तो 70% चांस होते हैं कि गिग आपका अच्छा परफॉर्म करेगी। जैसे ये वाली गिग है, ये अच्छा परफॉर्म इंशाल्लाह करने लग जाएगी, उम्मीद है। मैं यहाँ से इसके स्टैट्स चेक करता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये स्टैट्स आए हैं, एक दिन 7 इंप्रेशन आए हैं, एक दिन 9 आए हैं, फिर 8, एक इम्प्रेशन भी आया है, 2, 3, 5, 4 इम्प्रेशन दे रहा है। जब ये गिग मुझे अपना बिल्कुल ही डाउन चली जाएगी और 0-0 इम्प्रेशन देने लग जाएगी या 1-1 इम्प्रेशन देने लग जाएगी, 0 इम्प्रेशन भी देती हैं गिग्स, ठीक है। जब 0 इम्प्रेशन देने लग जाएगी तो मैं क्या करूँगा, इसके डिस्क्रिप्शन में चेंजेस करूँगा। तो डिस्क्रिप्शन में चेंजेस करने से आपके गिग के अंदर फ़ायदा होता है, डिस्क्रिप्ट चेंज, ठीक है। ये मैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अपना आपकी जो मेरी गिग है ये अच्छी चलेगी, मैंने बड़े अच्छे अंदाज से बनाई है, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन चेंज करूँगा। अगर आपकी गिग, अगर इफ़ गिग इज हैज़ 0 रिव्यूज़, देन डोंट थिंक बिफोर डिलीटिंग, ठीक है। अगर आपकी गिग ही बिल्कुल 0 है फिर क्या सोचना, मेरी भी वैसे गिग 0 है और मैंने, अच्छा हाँ, आपने लाजमी सब्र करना है। क्या करना है, मैं पूरे मोटे मोटे अल्फाज में लिख रहा हूँ, लिख लिख के बताता हूँ ताकि मेरी बात को, सब्र कितने दिन, कम से कम 14 दिन, 14 दिन सब्र करना है, ठीक है। देखो ये मेरी गिग है, ये किस दिन परफॉर्म करना स्टार्ट हुई थी, अपना 21 तारीख को, और अब अपना तकरीबन 21 जनवरी को, और अब 10 जनवरी है तो अपना तकरीबन दिन हो गया, 2 हफ्ते हो चुके हैं तकरीबन इसको, ठीक है। तो अब मैं इसके बारे में फ़ैसला कर सकता हूँ क्या करना है। आप अगर कहते हैं कि आज आपने गिग बनाई है और कल अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगी, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ठीक है, टाइम लगता है थोड़ा सा। आज अगर आप गिग बनाएंगे तो कुछ 2-3 हफ्ते तो उसको सेटअप होने में लग जाएंगे, 2 हफ्ते तो 4-5 दिन उसको सेटअप होने में लग जाएंगे, फिर आपको इंप्रेशन देना स्टार्ट करेगा, सही है। फिर आप शेयरिंग करेंगे तो आपके दोस्तों की तरफ जो इंप्रेशन आएगा वो भी 2 दिन बाद शो होते हैं, तो 1-2 दिन बाद शो होते हैं वो भी, तो टाइम लगता है यार इसमें, ज़रा सुकून से काम किया करें। और इसमें ये चीज़ें, मुझे एक भी रिव्यू नहीं लगा हुआ इसलिए मे भी इसको मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है। ये वैसे मैंने देखे हैं, 1-2 गिग्स मैंने डिलीट की हुई हैं, पॉज की हुई हैं, जो पॉज की हुई है इसका मतलब है वो डिलीटेड है मेरी तरफ से, मैंने उनको छोड़ा हुआ है गिग्स को, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या किया है अपना, हमने क्या करना है कि गिग अगर 0 रिव्यूज़ हैं तो आपने उसको ईजीली डिलीट कर देना है, सही है। तीसरा बात ये है कि आपके जो इम्प्रेशन हैं वो लेस देन 1 हैं, 1 हैं, ठीक है, डेली और कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा है, कंटिन्यूसली, सॉरी यार मेरे स्पेलिंग गलत होने की वजह से, कंटिन्यूसली 14 दिन तक, ठीक है, आपके इम्प्रेशन डाउन जा रहे हैं,
तो आप क्या करें, आप बेफिक्र होकर उस गिग को डिलीट कर दें या उसमें चेंजेस करना स्टार्ट करें। अगर तो गिग ज़ीरो है ना, तो लाजमी तौर पर उसको डिलीट करके नई गिग बनाओ यार। इतने अच्छे अच्छे आपको कीवर्ड्स दे रहा हूँ, उनको फॉलो करो, सही है। चौथी बात, बात नंबर फोर ये है कि आपने, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने क्या करना है, अपने यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट में जाना है, ठीक है। और ये चौथी बात का इसका नाम क्या है, जब तक ये होगा चेक स्टेटस, ठीक है, गिग का स्टेटस चेक कर रहे हैं हम। यहाँ पर देखें आप सेलर में आ गए, मैंने कहाँ पर गया था दोबारा कि ए हेल्प एंड सपोर्ट पर, ये वाली हेल्प एंड सपोर्ट पर, ठीक है, इस पेज पर आ गया था। सेलर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे व्यूइंग गिग स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। गिग के स्टैटिस्टिक्स में सबसे नीचे जाएंगे तो आएगा सबमिट अ रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वेस्ट सबमिट आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए आपको आपने यहाँ पे चूज़ करना है गिग, ठीक है। गिग चूज़ करने के बाद आपने क्या करना है, माई गिग डजंट अपीयर इन द सर्च, ठीक है। ये देखें जी, अब आप अपने यहाँ पे गिग चूज करेंगे कौन सी गिग आपकी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, सही है। मेरी कौन सी गिग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, देखें जरा, उसका नाम था बी योर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट, बी योर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट, ये मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। और ये क्या दे दिया, योर गिग स्टेटस इज एक्टिव। यहाँ पर कभी कभी इनएक्टिव लिखा हुआ आता है, जब स्टेटस इनएक्टिव आ जाए तो फौरन गिग को डिलीट करें। इफ स्टेटस इज इनएक्टिव डिलीट दैट गिग इमीडिएटली, ठीक है। आप अपने गिग को फौरन डिलीट कर सकते हैं अगर यहाँ पे आपका एक्टिव स्टेटस इनएक्टिव आ रहा है, ठीक है। तो यार असल में मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको, गिग को डिलीट करने के लिए, गिग डिलीट में ये कह, एक गिग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो हम ये तो नहीं होगा कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और उसको अपना इंतज़ार करते रहेंगे उसका, ठीक है। हमने दुआएं भी करनी है, अल्लाह नबी का नाम भी लेना है, दुरूद जो है अपना अस्तगफुरुल्लाह का वजीफ़ा भी करें, लाजमी करें, इसके साथ साथ अपनी मेहनत भी करें। आपका इंशाल्लाह ताला अगर आप गिग्स बनाते रहेंगे बार बार, हर गिग को एक महीना तो दें, दो हफ्ते तो दें कम से कम, ठीक है। आप तकरीबन तीन हफ्ते चार हफ्ते भी वेट कर सकते हैं, गिग को अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करें। एट दी एंड फैसला हो गया डिलीट करने का तो फ़ौरन डिलीट करें, और डिलीट करने से आपको फ़ायदा ये होगा, आपको स्पेस खाली हो जाएगी और गिग्स बनाने का मौका मिलेगा। जब आप और गिग्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इंप्रेशंस ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। इसी बात के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चले जाएं, और मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। खुबैब गौरी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।